सिविल लाइन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर हाउस के अंदर की नारेबाजी और दिया ज्ञापन। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दुकानदारों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं। लाइसेंस फीस से लेकर दूसरे सभी टैक्स बढ़ाए गए, जिससे दुकानदार परेशान है। इसी मुद्दे पर आज तिमारपुर वार्ड से निगम पार्षद अमरलता सांगवान आज बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मेयर हाउस पर ज्ञापन देने के लिए पहुंची। अमरलता सांगवान के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय दुकानदार और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन्होंने इन टैक्स को कम करने के साथ साथ हाउस टैक्स की अंतिम तारीख बढ़ाने की भी मांग की। ज्ञापन के दौरान लोग नगर निगम से इतने नाराज थे कि मेयर हाउस के अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी। मेयर हाउस के अंदर भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। देखिए, बीजेपी की जो सरकार बैठी हुई एमसीडी में, इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं लोगों के ऊपर। अभी कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी में भी रोजगार बंद हो चुके हैं, नौकरियाँ किसी के पास है नहीं, दुकानदारों के पास काम नहीं है, उनके दुकानें खुल नहीं रही हैं। और दुकानें जैसी लॉकडाउन खत्म हुआ, इनकी दुकानें खुलती हैं, इनके ऊपर एक इतना आरोप लगा दिया कि इनके जो 17 गुना इन्होंने ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ा दी, हाउस टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना दबाव डाल रहे हैं दुकानदारों के इनके ऊपर, कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए हम आज मेयर साहब के पास ये ज्ञापन देने आए थे, जो इनके ऊपर 17 गुना फीस बढ़ा के जो इन्होंने ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाई है, उसको तो माफ़ किया जाए। और जो हाउस टैक्स जो डेट अभी 15 तारीख थी, उसमें 15% की छूट है, हम चाहते हैं कि उसको 31 अक्टूबर तक उसकी डेट बढ़ाई जाए। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मेयर साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? मेयर साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन देखिए एमसीडी में बीजेपी की सरकार कितना आश्वासन वो देती है, उन्होंने कितना वो काम पूरा करते हैं। कभी ऐसा उन्होंने फीस बढ़ाई है तो कभी उन्होंने, अब ये नहीं कि फीस बढ़ा दी उन्होंने वापस ले ली, लेकिन हमने उनको ज्ञापन दिया है कि ये जो फीस बढ़ाई है उन्हें उसको माफ़ किया जाए, ताकि जितने भी हमारे दुकानदार हैं, हमारे वो हैं, उनको इसका वो हो कि बेनिफिट मिले इन लोगों को।